हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल मूविंग व्हील्स पे। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एक स्कूल बस खड़ी है। इसी गाड़ी का आज हम रिव्यू करने वाले हैं। यह है SML Isuzu की GS स्कूल बस। ये इसका हेडलैम्प आप देख रहे हैं, कन्वेंशनल टाइप के इसके हेडलैम्प है टर्न इंडिकेटर के साथ, और सिल्वर इंसर्ट काफ़ी यूज़ किया है कंपनी ने नीचे के ग्रिल पे। और अगर विंडशील्ड की बात करें तो काफ़ी बड़े साइज़ का विंडशील्ड है। ऊपर आपको स्कूल बस का साइनेज मिल जाता है और दो रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में वाइट कलर के। SML की बैजिंग मिल जाती है। नीचे आपको GS स्कूल बस लिखा हुआ है क्योंकि इस स्कूल बस का नाम है GS। और वाइपर भी काफ़ी बड़े साइज़ के हैं जिससे बरसात की कंडीशन में आपको काफ़ी सहूलियत होने वाली है। तो कुछ इस तरीके की ये बस है। चलिए इसके कुछ टेक्निकल डिटेल के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर इस गाड़ी को हम अंदर से देखेंगे। अगर इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको चार सिलेंडर का इंजन मिल जाता है BS6 3455 cc का। इसकी जो पावर है वो 75 किलोवाट का पावर जनरेट करता है इसका इंजन 2600 के RPM पे, और 315 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क है 1500 के RPM पे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें मिल जाता है आपको। इसके सस्पेंशन की बात करें, सेमी इलिप्टिकल टाइप के मल्टी लीफ स्प्रिंग विथ एंटी रोल बार टाइप के इसमें सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसमें आपको डुअल सर्किट फुल एस कैम एयर ब्रेक विथ ऑटो स्लैक एडजस्टर विथ ABS। ABS EBD अभी मैंडेटरी हो गया तो इसमें आपको ABS मिल जाता है ब्रेकिंग में। और इसमें आपको 16 इंच के स्टील व्हील मिल जाते हैं। 30+1 की इसकी सीटिंग कैपेसिटी है बस की। और व्हील बेस की बात करें तो 3335 mm इस गाड़ी की व्हील बेस है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 6515 mm है, 2262 mm इसकी विड्थ है, और 2860 mm इस गाड़ी की हाइट है। तो ये इसके कुछ टेक्निकल डिटेल रही। अब गाड़ी को हम अंदर से देख लेते हैं कि गाड़ी का इंटीरियर कैसा है, और उसके बाद हम गाड़ी का एक्सटीरियर लुक देखेंगे चारों तरफ से कि गाड़ी बाहर से देखने में कैसी लगती है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से गाड़ी लगती है देखने में सामने की तरफ से। साइड में आपको SML लिखा हुआ मिल जाएगा ऊपर की तरफ वाइट कलर से। विंडोज़ पे आपको साइड रेल बार मिल जाते हैं जिससे बच्चे अपना हाथ वगैरह बाहर नहीं निकाल सकते। हालांकि स्कूल बसों में मैंडेटरी होता है, तो इसमें भी इस कंपनी ने भी दे रखा है। ये इसके 16 इंच के स्टील व्हील्स। और स्कूल बसों में क्या, ज़्यादातर बसों में आपको एलॉय का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसमें भी आपको स्टील व्हील का ही ऑप्शन मिलता है, जो कि 16 इंच का काफ़ी इनफ है। काफ़ी बड़े साइज का स्टील व्हील इसमें मिल जाता है, तो टायर साइज भी ठीक ठाक है। और हालांकि ये विद्यालय की गाड़ी है, और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके जो फुट स्टेप है काफ़ी नीचे हैं, लो फुट स्टेप हैं, जिससे बच्चों को बस में चढ़ते उतरते समय कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे स्टॉप का साइनेज मिल जाता है कि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको ये दिख सके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है स्कूल बसों में। चलिए गाड़ी को अंदर से देखते हैं। अगर इसके फ्लोर की तरफ आप ध्यान देंगे तो एंटी स्किड टाइप के इसके फ्लोरिंग है, जिससे बच्चे स्लिप वगैरह नहीं करेंगे गाड़ी में खड़े रहने की स्थिति में। सामने आपको एक डिजिटल क्लॉक मिल जाता है, आपको स्पीकर मिल जाते हैं रूफ पे, केबिन लाइट मिल जाती है। सेफ्टी का ध्यान रखा है कंपनी ने। हालांकि VTS वगैरह मैंडेटरी हो गया था, तो VTS की भी इसमें अरेंजमेंट दी गई है कि व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम दिया हुआ है कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर को या बच्चों को उसको यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर सके। सीट पर आपको नीचे और ऊपर बैग रखने का ऑप्शन मिल जाता है। सीट की कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छे कुशन का यूज़ किया हुआ है। ये ड्राइवर प्रोफाइल की बात पहले हम कर लेते हैं, इसका डैशबोर्ड देख लेते हैं। यहाँ पे ढेर सारे बटन दिए हुए हैं जिससे आप रूफ लाइट्स वगैरह या फैन वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। यहाँ नीचे आपको VTS जो मैं बोल रहा था उसका अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी मैंडेटरी है बस स्कूल बसों में। और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम काफ़ी ज़रूरी होता है, वो 2019 से मैंडेटरी हो गया हर बसों में, तो इसमें भी आपको मिल जाएगा। इसमें आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है और दोनों तरफ वाइपर और लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसमें आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है, फ्यूल का सिस्टम मिल जाता है कि गाड़ी में कितना फ्यूल है। ये इसका लाइट और वाइपर का कंट्रोल आपको मिल जाता है स्टीयरिंग में ही। ड्राइवर साइड में एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, जहाँ पे ड्राइवर अपने लिए एक बॉटल कैरी कर सकता है पानी का। तो ये तो रही ड्राइवर साइड की इसके डैशबोर्ड की बात। ड्राइवर के लिए एक सनवाइजर भी मिलता है कि अगर उसको कुछ सामने से रोशनी आ रही है तो वहाँ पे उस सनवाइजर का यूज़ करके वो आँखों पे रिलीफ ले सकता है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है। यहाँ पे एक फ़ैन भी मिल जाता है, और सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा है कंपनी ने, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी स्कूल बस में। हालांकि सारी बसें आजकल सेफ्टी के साथ ही बन रही हैं, बट ये भी बस जो है SML की Isuzu की काफ़ी अच्छी बस है। यहाँ पे आपको फायर एक्सटिंग्विशर का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे एक हैमर मिल जाता है जिसकी सहायता से आप इमरजेंसी एग्जिट कर सकते हैं ग्लास वगैरह को ब्रेक करके। बैग रखने का ऑप्शन आपको ऊपर भी मिल जाता है। अगर आप
के विद्यालय में बड़े बच्चे हैं तो वो अपना बैग ऊपर भी रख सकते हैं बस में बैठते हैं अगर वो, तो अगर छोटे बच्चे हैं तो नीचे भी बैग रख सकते हैं। ऊपर भी आपको एक एक्सटेंशन बार मिल जाता है जिसको खड़े होकर के बच्चे अगर खड़े हैं तो पकड़ के बैठ सकते हैं। अगर सीटिंग की बात करें तो सीटिंग इसमें जैसे कि मैंने पहले ही बताया 3x2 की सीटिंग अरेंजमेंट इसमें देखने को मिलेगी आपको। एक तरफ 3 बच्चे बैठ सकते हैं, एक तरफ 2 बच्चे बैठ सकते हैं। गैलरी भी ठीक ठाक है, आपको मूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए पीछे से देख लेते हैं गाड़ी को। पीछे की जो सीट है वो 3x3 है क्योंकि पीछे बीच में जगह नहीं दिया गया है, उसको लॉक कर दिया गया। पीछे की सीट पे आपको सीट बेल्ट भी मिल जाता है। ये देखिए नीचे बैग रखने का ऑप्शन नीचे भी मिल जाता है आपको। सीट की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है। इस बस में काफ़ी जगह इमरजेंसी एग्जिट दिए हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे पर्सनली खुद को, क्योंकि स्कूल बस है तो इसमें किसी भी आपातकालीन में कई जगह इमरजेंसी एग्जिट होने के कारण बच्चे आसानी से कहीं से भी निकल सकते हैं। और सीट से आप देखेंगे तो पीछे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं और ऊपर की तरफ भी ग्रैब हैंडल मिलते हैं, जिससे बच्चा अगर बैठता है तो इस ग्रैब हैंडल को वो पकड़ के बैठेगा तो उसको झटके वगैरह नहीं लगेंगे। साइड में आपको आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो बच्चे साइड में बैठेंगे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी काफ़ी खूबसूरत बस है। 3x2 की सीटिंग अरेंजमेंट है इसमें, आपको ये दोनों सीटें लेफ्ट साइड की अपोजिट डायरेक्शन मिल जाती हैं सामने की तरफ। तो बच्चे अगर बैठ के कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके की सीट का अरेंजमेंट दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगती है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऊपर रीडिंग लाइट भी मिल जाती है पूरी पीछे तक, तो गाड़ी में प्रकाश की भी कोई कमी नहीं रहेगी, लाइट की भी कोई कमी नहीं रहेगी। और फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है सेफ्टी के लिए और आपको फर्स्ट एड किट मिल जाता है। इसका डोर आपका जैक नाइफ टाइप का डोर है, अंदर की तरफ खुलता है। मैनुअली कंट्रोल्ड है, ऑटोमेटिक नहीं है ये, हालांकि स्कूल बस है तो इसमें ऑटोमेटिक की ज़रूरत भी नहीं थी। तो इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा था, इंटीरियर में सारी सुविधाएं दी हुई हैं बच्चों के लिए। चलिए इसका बाहर का लुक देख लेते हैं कि बाहर तक कैसी लगती है गाड़ी। तो जो स्टेपनी होती है गाड़ी की, स्पेयर व्हील होती है, उसको आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे उसका प्रोविज़न दिया हुआ है, इसके सहायता से आप इसको खोल के लिड को अंदर रख सकते हैं इसके। ये देखिए इसमें 3 साइड रेल बार मिल जाते हैं। विंडो साइज़ काफ़ी बड़ा है जिससे बच्चों को विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है और गाड़ी का जो बाहर से लुक होता है वो भी काफ़ी इन्हेंस होता है। इसका टायर और सस्पेंशन देख लीजिए, पीछे आप लीफ स्प्रिंग आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे भी GS की स्टिकरिंग मिल जाती है आपको, पीछे की तरफ रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं येलो कलर के। अब चलिए इसके रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। रियर से गाड़ी कुछ इस तरीके से लगती है। आपको हाई माउंटेड स्कूल बस का साइनेज मिल जाता है, 2 रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड में, बीच में SML की बैजिंग मिल जाती है। और इसके टेल लैम्प की बात करें तो ट्राई कलर में इसके टेल लैम्प मिल जाते हैं, ऑरेंज रेड एंड वाइट कलर में LED टेल लैम्प है। स्कूल बस का साइनेज यहाँ भी मिल जाता है, स्टिकिंग मिल जाती है, रेड कलर के रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। स्कूल बस का साइनेज होने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर कोई दूसरा गाड़ी आदमी चला रहा है, पीछे से गाड़ी आ रही है, आगे से गाड़ी आ रही है, उसको पता चल जाता है कि ये गाड़ी विद्यालय की है, तो थोड़ा सा वो भी केयरफुल हो जाता है कि इसमें बच्चे बैठे होंगे। तो इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, कंपनियां इसको ज़्यादा यूज़ करती हैं। यहाँ पे एक लाइट मिल जाता है, GS स्कूल बस लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस आप देख सकते हैं। नीचे आपको ये टैंक दिख रहे होंगे, 2 एड ब्लू के टैंक आई थिंक ये हैं। हालांकि एड ब्लू की टेक्नोलॉजी अब सारी बसों में यूज़ होने वाली है BS6 में, तो इस कंपनी में भी एड ब्लू की टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी। एड ब्लू का मतलब ये होता है कि आप इसमें यूरिया का यूज़ करके पॉल्यूशन को कम करते हो, अपने फ्यूल में आप यूरिया इंसर्ट करते हो और उससे आप अपने पोल्यूशन को कंट्रोल करते हो। BS6 इसीलिए बनाया गया कि इंजन के पोल्यूशन को कम किया जाए, वातावरण के प्रदूषण को कम किया जाए, तो इंजन से जो प्रदूषण हो वो कम हो। अगर आपने BS4 और BS6 से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन में इसका लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि BS3 या BS4 या BS6 क्या है, कौन सी गाड़ी आपको परचेज करनी चाहिए। और स्वराज माजदा की अगर दूसरी गाड़ी का वीडियो आपने नहीं देखा, SML Isuzu का दूसरी गाड़ी का वीडियो नहीं देखा, तो हीरोई नाम की इनकी बस आती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ जा करके क्लिक करके आप हीरोई बस का भी रिव्यू देख सकते हैं। तो चलिए पहले इसी गाड़ी की बात कर लेते हैं। तो रियर प्रोफाइल भी काफ़ी अच्छा है, रिफ्लेक्टर भी दिए हुए हैं रेड कलर के, लेफ्ट एंड राइट साइड में आपको बस के येलो कलर के रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, स्कूल बस के साइनेज मिल जाते हैं, स्टिकरिंग मिल जाती है। इसमें इमरजेंसी एग्जिट आप देख सकते हैं, पीछे के ग्लास में भी लिखा हुआ है। तो हैमर की सहायता से आप डोर से भी निकल सकते हैं जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट एक्चुअल में दिया हुआ है, या आप कांच को भी तोड़ करके बाहर निकल सकते हैं किसी भी आपातकालीन स्थिति में। ये लाइट की बात मैं कर रहा था कि यहाँ पे नंबर प्लेट के पास एक लाइट मिल जाती है। तो कैसी लगी ये गाड़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये गाड़ी पसंद है, आपको परचेज करनी है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। अभी थोड़ा वक्त लगेगा इसको, क्योंकि ये गाड़ी जो लॉन्च हुई है वो ऑटो एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में फरवरी के महीने में लॉन्च हुई है, वहीं से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये गाड़ी जो मार्केट में आएगी अगस्त या सितंबर तक आएगी, अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं होगा कि गाड़ी कब तक लॉन्च होगी। तो हालांकि मुझे जो न्यूज़ मिली है वो अगस्त सितंबर तक की न्यूज़ मिली है कि तब तक ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी मार्केट में। तो ये देखिए BS6 ओनली, यहाँ से आप BS6 का फ्यूल भरेंगे इसमें, एड ब्लू की टेक्नोलॉजी जो मैं बात कर रहा था, और ये ड्राइवर साइड का डोर। तो ये डोर एक बार देख लीजिए आप,
कैसा है डोर देखने में। यहाँ पे एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, काफ़ी बेसिक सा है, और ब्लैक कलर में इसके अंदर के जो डोर ओपन करने के लिए लीड है वो भी ब्लैक कलर से ही है। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बस अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय, स्टे हेल्दी, जय हिंद, वंदे मातरम।